नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो दोस्तों, मैं स्वरा भास्कर आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ गीत संगीत के सुरीले कार्यक्रम मधुरिमा में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कलाकार से मिलाने जा रही हूँ जो बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं और यूं तो किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं। आप एक लेखिका हैं, गायिका हैं, साधिका हैं, डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव जी। सांस्कृतिक परिवेश में पली बढ़ी शैलेश जी बनारस घराने से ताल्लुक रखती हैं और इन्होंने संगीत की विधिवत शिक्षा पद्मभूषण पंडित राजन साजन मिश्र से हासिल की है। ये कहना गलत नहीं होगा कि पूर्वांचल के बलिया जिले से निकलकर आज देश विदेश में शैलेश जी ने अपने सुरों से ख्याति अर्जित की है। डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव जी का लोक संगीत, शास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत पर समान अधिकार है। तो चलिए, आज परंपरा के अनुसार हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कबीर भजन से। दोस्तों, कबीर एक ऐसा नाम है जिन्हें न किसी मजहब से काम है, न किसी कर्मकांड से। विज्ञान और तकनीक के इस दौर में कबीर आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने पहले थे। तो आइए सुनते हैं कबीर भजन। बोल हैं, मैं काही समझावा या जग अंधारे। Oh,
सच बात है ना कि घर की वस्तु पूजे नहीं कोई, दियना बार के ढूंढत अंधारे। दोस्तों, भारत भावनाओं का देश है, जहां अनेकता में एकता विराजती है, और यही हमारे देश की खासियत है। लेकिन साथ ही साथ भारत परंपराओं का, मान्यताओं का, रीति रिवाजों का, कथनियों का देश भी है। एक ऐसी ही मान्यता है भारत के गांवों में कि मेहमान के आने का संकेत तब होता है जब मुंडेर पर बैठा कागा बोलता है। कागा के स्वर में मेहमान के आने की आहट होती है। तो इसी मुंडेर पर बैठे कागा से प्रेरित मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ पंडित हरिराम द्विवेदी जी द्वारा लिखित ये दादरा। बोल है मुंडेरवा कागा काहे बोले। आवाज एक बार फिर से हमारी प्रिय डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव जी की। जाने कवन रस घोले मुंडेरवा कागा।
वाह, क्या कहने शैलेश जी के। बनारस के रस में डूबा और वहीं की संस्कृति से सराबोर अभी जो आपने दादरा सुना वो डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव जी की आवाज़ में था। दोस्तों, सुरों की महफिल सजी हो और वहाँ गज़ल ना हो, ये भला कैसे मुमकिन है। तो शायर अगर कतील शिफाई साहब हैं और बात इश्क की चल रही हो तो उनका एक शेर अर्ज करना लाजमी होता है कि क्यों गैरों से पूछ रहे हो पता कतील शिफाई का, क्यों गैरों से पूछ रहे हो पता कतील शिफाई का, इतना भी गुमनाम नहीं है वो शायर वो दीवाना। तो लीजिए, पेशे खिदमत है कतील शिफाई साहब की ये गज़ल, मायनाज आवाज़ है डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव जी की। अनदेखी
चलिए दोस्तों, गजल की खुमारी से बाहर आ जाइए, क्योंकि अब मैं आपको प्रकृति का दामन थाम सावन ऋतु की सैर कराने वाली हूँ। आपको पता ही होगा कि हमारे देश में हर ऋतु का अपना महत्व होता है, तो सावन में जहाँ कहीं बादल उमड़ते घुमड़ते किसी का संदेश किसी और तक पहुँचा रहे होते हैं, वहीं पे रमणियाँ झूला झूलते हुए दूर देश उड़ जाने के ख्वाब देखती हैं। तो प्रस्तुत है सावन ऋतु से प्रेरित शांतिवीर कौल जी द्वारा लिखित ये गीत, जिसे स्वरबद्ध किया है छोटे लाल जी ने और आवाज़ है हमारी अजीज, आपकी अजीज, हर दिल अजीज डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव जी की। खुशबू से फूल रंग जाना, कभी कभी सपनों की दुनिया में तुम आना, मौसम के खुशबू से फूल रंग जाना, ठहरे को सजाए, यहाँ वहाँ सूरज को पंछी बुलाए, शाम की उदासी से घर को सजाए, चंचल दोस्तों, कार्यक्रम समाप्ति की ओर आगे बढ़ रहा है, तो अंत में एक नजरिए का नजराना आपको नजर करना चाहेंगे। मध्य प्रदेश का ये लोक संगीत, जिसमें प्रेमिका अपने प्रेमी पर एक अधिकार रखते हुए कहती है कि तुम्हारा जो कुछ है सब मेरा है, मेरे लिए है। बोल हैं नजरिया, आवाज वही कानों में रस घोलती हुई डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव जी की। तो मुझे दीजिए इजाजत और साथ बने रहिए शैलेश जी की इस प्यारी प्यारी आवाज के साथ। नजरिया 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 मुहिसे मिले हो मुरे राजा, नजरिया मुहिसे मिले हो मुरे राजा, मिले हो मुरे राजा, मिले हो मुरे राजा, नजरिया मुहिसे
मिले हो मोरे राजा नजरिया मुहिसे। मोरे राजा अंगना में बगिया लगई है, मोरे राजा अंगना में बगिया लगई है, बगिया नजरिया मुहिसे मिले हो मोरे राजा नजरिया।